गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में तरह तरह के घर के बारे में बताऊंगी। अपने आसपास के मकानों को हमने देखा है, कुछ मकान कच्चे तो कुछ पक्के होते हैं, कुछ मकान एक मंजिला तो कुछ मकान बहुमंजिला होते हैं। इन मकानों को बनाने में कई प्रकार की सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं। कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। सोचिए और बताइए। तो बच्चों बताओ, अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ होगा। तो बच्चों, जो कच्चे मकान होते हैं उनमें घास फूस गोबर और बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पक्के मकान होते हैं उसमें सीमेंट बजरी सरिये लोहे के सरिये कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ से मिलती है? तो बच्चों, ये सामग्री हमें कहाँ से मिलती है? मार्केट में मिलती है। इनकी अलग से एक दुकान होती है जहाँ से हम ये सामान लाते हैं। इन मकानों की छतें किस प्रकार की होती है? जो झोपड़ी का मकान होता है उसमें घास पत्तों की तरह की होती है, लेकिन जो बड़े मकान होते हैं उनमें सीलिंग डाली जाती है, उसके द्वारा इनके छतें बनाई जाती हैं। आपके मकान को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ? तो बच्चों, हमारे जो मकान बनते हैं उनके में सीमेंट बजरी ईंट पत्थर और लोहे के सरियों का इस्तेमाल हुआ है। आपका मकान आपको सर्दी गर्मी व बरसात से कैसे बचाता है? कि मकान अंदर से सुरक्षित रहते हैं, गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये गर्म रहते हैं, इस प्रकार हमारी ये सुरक्षा करते हैं। आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधाएं हैं? हमारे मकानों में इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें रोशनदान बनाए जाते हैं, खिड़कियां बनाई जाती है जिनके कारण हम हवा आसपास होती है। मकान कच्चा या पक्का कैसा भी हो, उसमें शुद्ध हवा व रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अपने विद्यालय का भवन देखिए, उसमें दरवाजे व खिड़कियाँ आमने सामने होगी, जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का आवागमन होता रहता है। तो बच्चों, इस तरीके से मकान इस तरीके से होते हैं और अलग अलग तरह के मकान होते हैं और उनमें हवा के पास होने के लिए खिड़की दरवाजे रोशनदान बनाए जाते हैं। विद्यालय भवन व आसपास किसी मकान का अवलोकन कराकर अवधारणा का विकास करें तो आप शिक्षक की सहायता से हमारी सहायता से यानी हम आप स्कूल का भवन भी देखते हैं तो वो इस तरीके से बनाई जाती है कि हवा उसमें आसपास हो, धूप उसमें आए, बाहर धूप भी उचित मात्रा में आए और हवा भी उसमें शुद्ध मात्रा में रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, इस तरीके से हमारे भवन का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि भवन निर्माण हो रहा है, उसमें औरतें और मजदूर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सोचिए बताइए, कुछ मकानों की छतें कवेलू या खपरेल से बना होता है। खपरेल और कवेलू क्या होता है बच्चों? गोबर का बना हुआ होता है और बांस की बनी हुई होती है, उसके द्वारा मकानों की छतें बनाई जाती है। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधाएं रहती है? ये मकान कच्चे होते हैं लेकिन ये मकान ज़्यादा ठंडे होते हैं, हवादार होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियाँ चलती है, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार बनाते हैं? झोंपड़ियों के माध्यम से ढालू छतें बनाई जाती हैं। मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है वह कौन कौन सी सामग्री अधिक आती है? सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपके यहाँ आती है। जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ मकान की दीवारें व छतें भी पत्थरों से बनाई जाती हैं। जहाँ पत्थर नहीं मिलते हैं वहाँ मिट्टी व ईंटों से दीवारें बनाई जाती हैं। आजकल लोहे के सरियों के ढांचे में सीमेंट व कंक्रीट डालकर छतें बनाई जाती है, जैसे RCC का ये छत क्या कहलाती है? RCC छत कहलाती है। जंगलों के आसपास व पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने के कारण मकान में लकड़ियों का अधिक उपयोग किया जाता है। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों में जमीन कम और अधिक लोग अधिक हो जाते हैं, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, अतः मकान आसपास बनाए जाते हैं। इसी प्रकार बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाने पड़ते हैं। दिए गए चित्र में बहुमंजिला मकान दिखाया गया है। तो बच्चों, जो आगे चित्र दे रखा है, पहले शुरुआत में चित्र दे रखा है, बहुमंजिला मकान इसमें बनाया गया है।
सोचिए और बताइए, कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए गांवों में शहरों की तुलना में रोजगार कम होता है, तो वो इसलिए गांवों को छोड़कर शहरों की ओर रोजगार प्राप्त करने के लिए आते हैं। शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और सबको मकान चाहिए, मकानों की संख्या कम होती है, इसलिए वहाँ पर बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। शहर में ज़मीन की कमी का भवनों का आकार विस्तार किस प्रकार प्रभाव पड़ा कि मकान बहुत ऊंचाई तक बनाए जाते हैं और छोटे छोटे मकान होते हैं। बहुमंजिला मकान में रहने वाले को क्या सुविधा होती है? उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, छोटे से फ्लैट में सारी सुविधाएं मिल जाती है। बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की एक ही छत होती है, वे सभी एक ही छत का उपयोग किस प्रकार करते हैं? कोई फंक्शन हो, क्या शादी विवाह हो या कोई प्रोग्राम हो, तो वो एक ही छत पर प्रोग्राम करते हैं क्योंकि सभी की छत एक ही होती है। सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मकान अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार बनाते हैं, तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाते हैं जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना पड़ता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता व क्षमता अनुसार मकान मिल जाता है। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाया कर देता है। सोचिए और चकिजिए, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जिसके पास खुद का घर नहीं होता है वे क्या करते हैं? वो जिनके पास खुद का घर नहीं होता वो रैन बसेरों में रहते हैं। बच्चों, सामूहिक घर या रैन बसेरा, सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है जहाँ उन्हें जरूरी सुविधाएँ जैसे पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय और प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। इन बसेरे सार्वजनिक स्थान जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। पता कीजिए आपके आसपास रैन बसेरा हो तो पता कीजिए लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं, लोग उसके साथ रहते हैं, सभी आवश्यकता अनुसार रहते हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं होती है, सभी प्रकार की सुविधाएं होती है। आपके घर में कौन कौन सी जगह में भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं? भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान। हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, जैसे कहीं बड़े बड़े पहाड़ है तो कहीं विशाल मैदान है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं मरुस्थल है। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आओ देखिए कुछ विशेष प्रकार के मकान। समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान। भारत का मानचित्र देखिए, इसके तीन ओर समुद्र है, अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, समुद्री तूफान भी आते हैं। यहाँ कभी कभी बरसात अधिक हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है। नीचे से भी ऐसे ही समुद्र तट है के किसी गांव के घर का चित्र बनाया हुआ है। तो बच्चों देखो, यहाँ घर का एक चित्र बनाया हुआ है, इस प्रकार का चित्र बना हुआ है समुद्र तट के में, इस तरीके से एक चित्र बनाया हुआ है। समुद्रीय तटीय घर। यहाँ मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हो तो क्या होता है? अगर ये मकान की दीवारें मिट्टी की हो तो ये पानी के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी, इसलिए थोड़े से पत्थरी ईंट की बनाई जाती है। हमारे आसपास वो लकड़ियों की बनाई जाती है। इन मकानों में बनाने में लकड़ी का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि अगर बारिश आए या तूफान आए तो ये लकड़ियाँ बह जाए, लकड़ियाँ के साथ इनको क्या है, मकान बहने की चांसेज कम रहते हैं। हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री ली जाती है? लोहे की सरिये काम में लिए जाते हैं आजकल। पहाड़ी क्षेत्रों के मकान। हमारे देश के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य जहां बर्फ अधिक गिरती है, यहां मकानों की छतें ढलान वाली होती है। यहां मकानों की छतें किस प्रकार होती है? ढलान वाली होती है। यहाँ घर की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती है? ताकि बर्फ़ हो तो वो पिघले तो वो नीचे आ जाए और छत ना गिरे। ये मकान हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं? अंदर से ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। भारत में मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु को ढूंढो और राज्य को अंकित करो। बर्फ के मकान।
जब बर्फ के मकान को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। अभी आपने देखा कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती है। वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है और वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जो रहते हैं वो भी बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। नीचे एक बर्फ के बने मकान है जिसे देखिए से इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इस प्रकार के मकान को क्या कहा जाता है? इग्लू, बर्फ का घर। हमने सीखा मकान बनाने में अलग अलग सामग्री की आवश्यकता रहती है। मकान मौसम आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेन बसेरों में बेघर लोग अस्थायी आवास होता है। जाना समझा बताइए, आपके मकान में दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री, तो बच्चों ईंट, पत्थर, सीमेंट का उपयोग किया जाता है, बजरी का किया जाता है। आपके आसपास के क्षेत्र में किसी के मकान बनाना है तो उसमें इसी प्रकार की सामग्री ली जाती है। रेन बसेरों के घर का वर्णन हमने अभी किया। अखबार में किसी बहुमंजिला मकान का विज्ञापन देखिए, चित्र में काट कर अपनी कॉपी में लगाइए, तो हम चित्र बनाकर उसमें कॉपी में काट कर रख सकते हैं। बच्चों हमने अलग अलग टाइप के मकान के बारे में पढ़ा और इन मकानों में हमें क्या क्या चाहिए उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तरह तरह के घर और उनमें किस प्रकार की हमें सामान चाहिए उनके बारे में पढ़ा। अपने आसपास के मकान को देखा और इस तरीके में यहाँ मजदूर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ा। और रेगिस्तान के क्षेत्र का मकान पढ़ा। हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र का मकान हमने पढ़ा। कॉलोनी जिसको कहते हैं, बहुमंजिले मकान के बारे में हमने दिया जाना। इसमें किस प्रकार के सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की बर्फ के मकान होते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज हमने तरह तरह के घर के मकान के बारे में पढ़ा। तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके के मकान के चित्र काट कर आप लिख सकते हो और उनके चित्र आप कॉपियों में बना सकते हो और उनके कटिंग करके आपकी कॉपियों में उसको जॉइंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।